बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे कुरकुरी भिंडी, जो कि बहुत ही मज़े की होती है और बनाना भी बिल्कुल आसान है। तो आइए शुरू करते हैं और बनाते हैं मज़ेदार सी कुरकुरी भिंडी। तो सबसे पहले खेत से ताज़ा भिंडी जो है वो ले लेते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो भिंडी जो है इसको धो के हमने खुश कर लिया। तो अब इसकी हम करेंगे कटिंग, और कटिंग इसकी कुछ इस तरह से करनी है कि इसके बीज जो हैं वो हमने निकाल देने हैं। बिस्मिल्लाह। इसी तरीके से भिंडी जो है उसकी कटिंग कर लेंगे और उसके बीज जो है वो निकाल लेंगे। भिंडी जो है उसको हमने काट लिया लंबे साइज में, और इसके बीज जो है वो हमने निकाल लिए हैं। बेसन थोड़ा डालेंगे। बिस्मिल्लाह। थोड़ा नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च, पिसा हुआ गर्म मसाला। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और अभी इनको पानी हमने बिल्कुल नहीं लगाना। पहले इनको जब हमने धोया था उसके बाद खुश करने के बाद इनको काटा, तो ये देखें बेसन बड़ी अच्छे तरीके से भिंडी के ऊपर जो है वो लग गया माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कढ़ाई रखी है चूल्हे के ऊपर। ऑयल जो है वो गर्म हो गया, अभी आग हमने बिल्कुल हल्की कर दी है। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी यहाँ से लेंगे हम पुदीना चटनी के लिए। यहाँ से लेंगे सब्ज धनिया। बिस्मिल्लाह। तो अभी हम बनाएंगे रायता। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। थोड़ा जीरा डालेंगे, थोड़ा इसमें जाएगा नमक, सब्ज मिर्च, पुदीने के पत्ते, और ये चीज़ें सारी जो है अच्छी तरह धो ली हैं, पुदीना और सब्ज धनिया वगैरह। और अभी हम सब्ज धनिया जो है उसके पत्ते शामिल करेंगे। अभी हम डालेंगे दही। अल्हम्दुलिल्लाह रायता हमारा बिल्कुल तैयार हो गया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज टेस्ट मैं ही करूँगा, क्योंकि अब्बू जान और अम्मी जान घर पे नहीं है, वो कहीं गए हुए हैं। तो थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे चाट मसाला, साथ कुछ बेसन बच गया था तो उसमें हमने जो मिर्चें हैं सब्ज़ उनको भी साथ हमने फ्राई कर लिया। तो अभी करते हैं टेस्ट। बिस्मिल्लाह।
बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही लाजवाब बनी है कुरकुरी भिंडी हमारी। और अभी हम सब्ज मिर्च जो है वो भी चेक करते हैं। ये देखिए इतनी क्रिस्पी बनी है, ये देखें बाद आप चेक करें। तो एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।